हाँ सबसे ज्यादा देखो एक तो जे दुख है के पेंसिल दे जाए और जे तेजी तनी कर राखी का है पारू ना पत्ती नेक गेहूँ मिलता है जब तब और मद्दो है जाए। गाय हमारी माता है, सरकार कहती है कि हमसे कुछ नहीं आता है, हम तो किसानों का नाश करके छोड़ेंगे। मान लीजिए मोदी के राज्य में है रो ऐसा जो पेंसिल बड़े बूढ़े नहीं कट रही है विधवान की, सारी जनता का विनाश हो रहा है। सारे देश को प्राइवेट सेक्टर में उठा दिया पट्टे पे इन्होंने, बैंक भी उठा दी, बिजली भी उठा दी और आपका बीमा भी उठा दी, रेल भी उठा दी, सारा पट्टे पर उठा दिया, खेती भी पट्टे पर उठा दी थी इन्होंने। किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडे से, जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और आज जिला पंचायत के सामने हॉर्टिकल्चर कार्यालय में आने का मौका मिला तो वहीं पर मैंने देखा कि किसान जो बैकबोन है भारत की वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, जबकि सबका साथ और सबके विकास की सरकार यहाँ पे चल रही है और हर तरफ चहुमुखी विकास का दावा और वायदा करने वाले लोग। अभी कल कई मिनिस्टर्स आए थे और समीक्षा हुई कि कब गुड वर्किंग चल रहा है। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं चौधरी हरपाल सिंह हूँ और भारतीय किसान में हरपाल गुट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी अध्यक्ष जी, सबका साथ और सबके विकास की सरकार चल रही है, ऐसे में बिल्कुल क्या समस्या आ रही है? सरासर झूठी बात है जी। जी विकास तो पूंजीपतियों का हो रहा है, अडानी अंबानी उनका हो रहा है। जी जी, गरीब मजदूर किसानों पर कोई विकास नहीं है, उन पर तो GST 1 किलो चावल खरीदने 1 किलो दाल खरीदेंगे उन पर टैक्स लगा दिया है अभी महीना भर पहले, तो ये तो गरीबों पर तो टैक्स चल ही रहा है सारा। जहाँ से देखो बीमाएँ 5 साल की कर दिया इन्होंने, कोई वाहन खरीदेगा कंपनियों से तो 5 साल का बीमा लगेगा, तो आधा रुपया गवर्नमेंट का होता है उसमें, आधा बीमा कंपनियों का होता है। तो ये तो केवल विकास जो हो रहा है बड़े 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 धन्ना सेठों का हो रहा है, जिनके यहाँ असंख्य धन है, जिन पे असंख्य धन है जिसकी कोई संख्या नहीं है, उनका विकास हो रहा है और सारी जनता का विनाश हो रहा है। सारे देश को प्राइवेट सेक्टर में उठा दिया पट्टे पे इन्होंने, बैंक भी उठा दी, बिजली भी उठा दी और आपका बीमा भी उठा दी, रेल भी उठा दी, सारा पट्टे पर उठा दिया, खेती भी पट्टे पर उठा दी थी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून बना के। मुझको लगता है आपका जी भर गया है। हाँ बिल्कुल जी भरा हुआ है, जी भर गया है। सीधा मुखर विरोध कर रहे हैं, जोरदारी से कर रहे हैं। हम लोग सरकार का नहीं कर रहे विरोध, सरकार की नीतियों का कर रहे हैं। सरकार की नीतियाँ जन विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं। इसलिए संसार का सबसे बड़ा धरना पिछले साल 13 महीने दिल्ली में हमें रखना पड़ा और उसमें 710 आदमी हमारे बलिदान हो गए, जिसके लिए मोदी जी ने एक श्रद्धांजलि भी नहीं दी उन्होंने। तो ये किसानों के दुश्मन हैं, गरीबों के दुश्मन हैं। केवल चावल चीनी गेहूं थोड़ा बांट दिया था कोरोना में, उसलिए बैग के लोगों ने वोट डाल दिया, इसीलिए सत्ता में आ गई जी। नहीं वो मोदी जी और योगी जी तो कह रहे थे कि वो किसान नहीं, कुछ और लोग थे जो प्रदर्शन कर रहे। मोदी जी तो लोकसभा में भी कह रहे थे और योगी जी भी अपनी विधानसभा में कह रहे थे या अपना अलग कह रहे होंगे, वो कह रहे थे ये आतंकवादी हैं दिल्ली में जो बैठे लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये आंदोलनजीवी हैं, केवल आंदोलन से जीवित रह रहे हैं। ये मोदी जी का भाषण था, मोदी जी वही तो हैं। तो फिर आप जिन्होंने लोकसभा में ये भाषण दिया था कि कोरोना काल में और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हॉस्पिटल में कोई भी मरीज नहीं मरा, मोदी जी जितना झूठ बोल रहे थे संसार के सामने झूठ बोला मोदी जी ने, वही तो मोदी जी हैं, कोई दूसरे थोड़े हैं। इसलिए वो जो कुछ भी कह दें वो झूठी बोलते हैं और झूठ के अलावा वो जानते ही नहीं कुछ। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के लिए कतई इस तरीके की बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप उन पर आरोप लगाते चले जा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं सत्य बात कर रहा हूं। और सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अगर हमारी सच को कोई बगावत कहता है तो हम बागी हैं उसके लिए। और वो मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, उनकी पार्टी खिलाफ नहीं हूँ, उनकी नीतियों से खिलाफ हूँ, उनके झूठ से खिलाफ हूँ। चलिए ये तो रहा मुद्दा कि आप नाराज हैं। गाय वाला सांड वाला ये है कि पेट खेतों को उजाड़ रहे हैं, ये फसलों को उजाड़ रहे हैं, पेट भी फाड़ रहे हैं, लेकिन इन पर कोई इंतजाम नहीं है। गौशाला बनी जैसी न बनी सब बंद पड़ी हैं और गाय हमारी माता है, अगर चारा खा रही है किसानों का 2-4 बीघा तो क्या फर्क पड़ता है?
उससे सारा फर्क पड़ता है। उसने डीएपी बैंक से कर्जा लेके डीएपी बोया, उसने सारा फर्क पड़ता है। डीएपी लगा बैंक से कर्जा लेके डीएपी से खाद बोया फसल को उगाने के लिए, और उसको बिंदा लगा करके बजरंग दल और कौन कौन से दल हैं, जब खेत उजड़ता है उसका तो उसे मालूम पड़ता है कि कर्जा लद रहा है उस पर, खेत उजड़ रहा है उस पर। तो ये सबका विकास और सबका जन क्या क्या बोल जाते हैं चाचा, ये कुछ नहीं है। देखिए गाय हमारी माता है, स्वीकार करते हो, लेकिन हमसे कुछ नहीं आता है, सरकार से कुछ नहीं आता है। गाय हमारी माता है, सरकार कहती है कि हमसे कुछ नहीं आता है, हम तो किसानों का नाश करके छोड़ेंगे, इनका बर्बाद करके दम लेंगे। और हमने दिल्ली में 13 महीने आंदोलन करके इनका 56 इंच का सीना 6 इंच का कर दिया, और गलती भी मानी देश के राजा ने कि हम ने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बना के बड़े बड़े पूंजीपतियों से खेती भी करवाने का हमने कानून बनाया था, वो हमारा सही नहीं था, इसलिए हम उसे वापस लेते हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वो सही नहीं था, वो सही था, लेकिन कुछ किसानों को या कह सकते हैं आंदोलनजीवियों को वो पसंद नहीं आ रहा, उन्होंने ये कहा था ना। वो कुछ भी कहते रहे, उनकी बात मन की बात है, वो फिर मन से कुछ भी कह दे। ये तो जो खेती कर रहा है मजदूर किसान दोनों भाई, उनका जीवन खराब करने के लिए इन्होंने कानून बनाया था। जीवन खराब हो जाता, जो धान की पौध लगाते हैं मजदूर किसान भाई महिलाएं पर, उनके सारा रोजगार खत्म हो जाता, मशीनी से खेती होती। अध्यक्ष जी, मैं आपसे अभी और बात करूंगा, उससे पहले एक वृद्ध माता हमारे साथ खड़ी जी। बुढ़िया ना की पेंसिल बंद कर देंगे, एक और बुढ़िया की पेंसिल ना आई हमारे माँ, और बता को रोटी दे रहो को बेटा रोटी दे रहो, बुढ़िया मत जाए और विधवा ना को पेंसिल दे दो, ये बुढ़िया ना को पेंसिल ना दे रही। कहाँ की हो आप? हम इंदिरा नगर के हैं, अलीगढ़ के। हाँ, कितनी जमीन है आपके पास? हमारे तो नेक ना है, सब जे ही है, हमें नहीं कि भैया इन्हीं के साथ में रहती। हाँ, जी देता है खवावे को। हाँ, सबसे ज्यादा देखो, एक तो जी दुख है कि पेंसिल दी जाए, और जे तेजी तनी कर राखी का है पारो ना पत्ती, और नेक गेहूँ मिलता है जब तब, और मद है जाए। हाँ, अरे भाई, जब आप वोट भी कहीं और देंगे और पेंशन की बात यहाँ से करेंगे तो कैसे चलेगा भैया? हमन तो मोदी जी दें वोट, और हमें तो पेंशन मिल रही ना है, ना मिल रही। अब क्या करोगे अगली बार? अब भैया कहाँ से ले, राम करवावे को सूही को। तो राम का मंदिर का निर्माण तो करा दिया तो करवाए हाँ। माता जी फोन आ रहा है घर से, क्या कहना चाह रही हूँ बताओ। भैया भाई, जन पेंसिल जन चो बंद कर देंगे, उन्हें छः सात महीना है कि दीवारी से पेंसिल नहीं आई है, को रोटी दे या तो बांध देते हैं और बांध के मोदी के ही राज्य में है रो, ऐसा जो पेंसिल बड़े बूढ़े नहीं कट रही है विधवान की। एक लाख रुपया देंगे एक पेंसिल खत्म, वो पैसा खत्म कर दो शादी को, गरीब आदमी काउ को ना मिल लो, ना आदमी मरे को मिल लो, ना जिंदगी को मिल लो, सबसे ज्यादा दुख तो पेंसिल को। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील चौहान है, भारतीय किसान यूनियन मंडल अध्यक्ष जी, अलीगढ़ मंडल अध्यक्ष जी। क्या कहना चाह रहे हैं आप आखिर इस धरने के? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे माननीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने जो भी कहा है, हम उनकी बात से 100% सहमत हैं, और उनके एक इशारे पर हम कुछ भी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और दिल और जान से। क्या कुछ कर सकते हैं वो थोड़ा बताएं, क्या कुछ हम ये कर सकते हैं कि जैसे जो है किसानों की जो समस्या है, किसानों की समस्या के लिए चौधरी साहब उठा रहे हैं कि किसानों के लिए समय पर जो है बिजली नहीं आ रही आजकल, बिल बढ़ा दिए गए हैं, और जो नाज है नाज वो नेवी पे नहीं पहुंचा, नेवी पे नाज इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि वहाँ पेमेंट जो एक महीने बाद और 2 महीने बाद आ रहा है, तो किसान वहाँ पर लेके नेवी पे नाज लेके क्यों जाएगा? अरे भाई, जब आप गेहूँ तुम अपने हिसाब से बेचोगे, भूसा तुम अपने हिसाब से बेचोगे, इसमें सरकार का क्या मतलब? क्यों सरकार मतलब क्यों नहीं है? जो सरकार का मतलब नहीं है तो वो रेट फिक्स क्यों नहीं कर दीजिए? किसानों को अधिकार दें जो कि आप अपनी फसल उगा रहे हैं, आप अपना जो रेट रखें। जैसे कोई कंपनी कोई गाड़ी बनाती है तो उसका रेट जो कंपनी रखती है ना, तो ठीक उसी तरह से जो है हम जो अपनी फसल उगा रहे हैं। सरकार ने भूसे का रेट थोड़ी 1600 रुपये कर दिया, भूसे का रेट तो आपने करा है। हाँ, तो क्या हो गया? करा हमने वो जो कमाया हमने कर दिया, तो इसमें जो बुराई किया है, इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, और सरकार को और जो है हमारी बात से सहमत होना चाहिए कि हमने सरकार का कुछ बजाने जो है उनसे हटा के अपने पर ले लिया, क्योंकि हमने अपने माल का रेट अपना भी फिक्स कर लिया, उन्हें तो हमारी बात से सहमत होना चाहिए। गेहूं का भी रेट अब सहमत करें? हाँ बिल्कुल करेंगे, ये हमें अधिकार मिलना चाहिए कि हम अपनी फसल उगाएं और हमें उसका अधिकार जो है बेचने का, उसका प्राइस रखने का, मूल्य रखने का उसका अधिकार मिले,
जैसे बड़ी बड़ी कंपनी आए अपना वो माल जो प्रोडक्ट बनाती है, कार बनाती है, मोटरसाइकिल बनाती है, तो उसका जो जो पैसा है, जो उसकी जो प्राइस है, तो वो कंपनी तो फिक्स करती है। तो ठीक है, हम जब अपनी फसल उगा रहे हैं, हम अपना जब अनाज उगा रहे हैं, तो हमें भी उसका जो है रेट फिक्स करने की जो है अनुमति मिले, हमें उसकी इजाज़त मिले।